नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंकमय शर्मा आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह एक नए सब्जेक्ट के साथ मैंने आपसे वादा किया हुआ कि मैं आपके समक्ष जरूर हाजिर होऊंगा। आज मैं फिर ज्योतिष सीखिए प्रोग्राम के अंदर एक नया विषय लेकर के आया हूँ, जिसमें से ज्योतिष सीखना है तो कुछ चीजें जो हमारे मन को तंग करती आ रही है ना, उनके ऊपर चर्चा जरूरी है। पहले कुछ थर्स्ट क्वेंच हो जाए, बाकी जो सब्जेक्ट हमने शुरू किए हैं आपको जानकारी हो गई कि कैसे कुंडली को देखना है, कुंडली कैसी होती है वो आपको समझा गए दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक योग के नाम से सुनते ही वृंदा व्यक्ति भयभीत हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसको ये बताया जाए कि आपकी कुंडली में ये दृद्र योग पड़ा हुआ है, दृद्र शब्द ही ऐसा है, जैसे ही सुना बंदे की जान निकल गई, जिसको हम एक योग ऐसा है, दृद्रता वाले कई योग हैं, जिसमें से एक योग बहुत ही प्रचलित है जिसका नाम है केंद्रुम योग। केंद्रुम योग जिसको मैक्सिमम लोग दृद्रता वाला योग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि केंद्रुम योग में व्यक्ति का जन्म हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा उसका जीवन नीरसता से भरा रहता है। ऐसा लोग कहते हैं कि केंद्रुम योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति उसका जीवन दृढ़ता से भरा रहता है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, कभी चैन नहीं मिलती, कभी शांति नहीं मिलती, कभी आनंद नहीं आता। क्या ये बात सही है? ऐसा नहीं है दोस्तों। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनकी कुंडली में केंद्रुम योग पड़ा हुआ है, जो बहुत ऊंचे मुकाम पे एक साधारण परिवार से उठ के दुनिया के अंदर नाम पैदा कर दिया, वो केंद्रुम में पैदा हुए। इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई और भी हिस्ट्री है। पहले तो ये जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है ज्योतिष सीखिए लर्न एस्ट्रोलॉजी, और उसके अंदर है ये वाला चैप्टर केंद्रुम योग, दरिद्रता वाला योग। क्या ये सचमुच दरिद्रता वाला योग है या सिर्फ कहने को दरिद्रता वाला है और देता सब कुछ है? अगर दरिद्रता वाला है, क्या इसका कोई निदान भी है? क्या इसका कोई निवारण भी है? क्या ये अगर दरिद्रता वाला है, हम कहते हैं कि बहुत सारे योग जो पहले सिस्टम होता था डिफरेंट होता था, आजकल तो ऐसे कॉम्बिनेशन आ गए जिसके कारण वो जो जिसको कहते हैं कोई ऐसे योग जिसके कारण ये दृढ़ता वाला योग भंग योग हो जाए। जैसे मैंने कहा तीन ग्रह नीच के होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि अगर तीन ग्रह नीच के पड़े हो तो नीच भंग राज योग में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या दृढ़ता वाले योग में केंद्रुम योग में भी कुछ ऐसा होता है कि आपके जीवन में दृढ़ता की बजाय खूब पैसा आ जाए? अब इस पर हम चर्चा करें। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं दोस्तों, और उसके अंदर हमें देखना है उसका पॉजिटिव साइड भी देखना है, उसका नेगेटिव साइड भी देखना। केंद्रुम दोष क्या योग क्या होता है कि जब चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, ना उसके बाईं तरफ कुछ है ना उसके दाहिनी तरफ कुछ है, यानी कि आपकी कुंडली में ऐसी कुंडली के डिस्क्रिप्शन आपको देंगे कि चंद्रमा आपकी कुंडली में पड़ा हुआ है, किसी भी घर में पड़ा है, मान लीजिए लगन में पड़ा है, ये पहला घर है, पहले चंद्रमा पड़ा हुआ है, दूसरे घर में कोई नहीं, और उसके बाद उसके द्वादश घर में कोई नहीं है, दूसरे घर में पड़ा हुआ है, दूसरे घर में पड़ा हुआ है, तो पहले घर में कोई नहीं और तीसरे घर में कोई नहीं, अगर चौथे घर में पड़ा हुआ है तो पहले घर जिससे तो तीसरे घर में कोई नहीं और पंचम स्थान में कोई नहीं, अगर पंचम स्थान में पड़ा हुआ है तो चतुर्थ में कोई नहीं और षष्टम में कोई नहीं, अगर षष्टम में पड़ा हुआ है तो पंचम और सप्तम में कोई ग्रह नहीं है, ऐसे ही अगर सप्तम में पड़ा हुआ है तो षष्टम और अष्टम में कोई नहीं। ये आपको तो थोड़ा सी आपको मैं डिस्क्रिप्शन इसलिए बता रहा हूं, वो हमारी कुंडली बनकर के भी आपके सामने यह चीज आ जाएगी। अगर अष्टम में पड़ा हुआ है तो सप्तम में और नवम में कुछ नहीं,
आई एम टॉकिंग ऑफ द मून, चंद्रमा। केम द्रुम योग बनता कैसे है? अगर अष्टम में चंद्रमा पड़ा हुआ है, सप्तम में कोई ग्रह नहीं है और नवम में कोई ग्रह नहीं है। अगर नवम में चंद्रमा पड़ा है, अष्टम में कोई ग्रह नहीं है और दशम में कोई ग्रह नहीं है। अगर दशम में पड़ा हुआ है तो नवम में कोई नहीं है, एकादश में कोई नहीं है। अगर एकादश में पड़ा हुआ है दशम में और द्वादश में कोई नहीं है। अगर द्वादश में पड़ा हुआ चंद्रमा है तो एकादश में और पहले घर में कोई ग्रह नहीं है, तो उसका मतलब केन द्रुम योग बन गया। मैं मानता हूं दोस्तों, ये अगर ये इसके आसपास कोई ग्रह नहीं है, इधर उधर ग्रह नहीं है, तो समझो केन द्रुम योग है। एग्री। क्या केन द्रुम योग हमेशा ही बुरा होता है? ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका लग्नेश है चंद्रमा, शास्त्र क्या कहता है? जब लग्नेश की दशा आ जाए, भागेश की दशा आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब ऊंचा उठ जाता है। 10 साल की चंद्रमा की दशा हो गई, 7 साल के आगे मंगल की दशा होगी। तो चंद्र कुंडली के लिए, चंद्र लगन के लिए, सिंह लगन के लिए मंगल योगा कारक प्लैनेट है। तो इसका मतलब चंद्रमा की जो दशा है, 10 साल वो, 7 साल आपके मंगल के। अगर फॉर्चुनेटली आपको राहु अच्छा मिल गया तो आपको 18 ईयर्स राहु के मिल गए, उसके बाद 16 साल जुपिटर के मिल गए, आपकी तो शानो शौकत बढ़ गई। एक पूरा जिंदगी का एक लंबा सफर केंद्रम वाला जो था, इसके आपको बड़ा आनंदित होकर के एक लंबा सफर मिल गया, लंबा समय मिल गया। तो ऐसा केंद्रम योग जिसने आपको हर मोड़ पे जाकर के उठाता गया, ऐसा केंद्रम योग कभी बुरा नहीं हो सकता। केंद्रम योग बुरा कब होता है? जब उसके ऊपर बुरे ग्रहों की दशा, बुरे ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो और बुरे ग्रहों की आगे दशा भी आ जाए। केंद्रम योग है, मगर केंद्रम योग भले ही बहुत अच्छे घर में बैठा हुआ है, बहुत अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको लंबे तरीके से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप पूरा इससे, आपकी जो जिज्ञासा है, आपकी थर्स्ट है, वो क्वेंच हो जाए, जिज्ञासा पूर्ण हो जाए और आपको आनंद आ जाए कि भाई हमें पूर्ण इसका ज्ञान हो गया। आनंद लेने के लिए भले ही केंद्रम योग में, द्रुद्र योग में इंसान का जन्म हुआ हो, मगर उसको दशाएं अच्छी मिल गई तो बहुत ऊंचा उठा के ले जाएंगी। हो सकता है उसके खानदान में किसी ने इतनी अच्छी पोजीशन एंजॉय ना करी। अगर उसके ऊपर दृष्टि राहु की पड़ रही है, शनि की पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकार पैदा कर रही है। अब किस कुंडली में चंद्रमा ये केंद्रम योग बना रहा है? 12 कुंडलियां हैं, 12 राशियां हैं, तो किस में बना रहा है उस पे मैटर करेगा। उसकी भी चर्चा दोस्तों हम अपने प्रोग्रामों में करते रहेंगे, मगर दिमाग में ये बात रखिएगा, पहले तो केंद्रम योग होता क्या है वो आपको मैंने बता दिया, किस भाव में ये बता दिया, और उसके साथ ये भी बता दिया कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दृढ़ता ही पैदा करे, दृढ़ता ही पैदा करे, ये जरूरी नहीं है। जैसे जिंदगी में बहुत आनंद दे सकता है, आपकी सोच से काफी ज्यादा अच्छा आनंद दे सकता है। तो फिर इसको दृढ़ता वाला योग क्यों कहा गया? यस, ये बात है। कभी कभी कहते हैं ना, राहु केतु जो होते हैं ये दृढ़ता के योग को भंग नहीं करते, अगर साथ जाके भी बैठ जाए तो इसे दृढ़ता दे देते हैं। चंद्र के साथ अगर केतु बैठ जाए, चंद्रमा है दूर, केतु ड्रैगन्स, राहु ड्रैगन, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा होता क्या है? हमारा मन, हमारी शीतलता, हमारी चैन, हमारा आनंद, हमारा सुख। चौथा घर किसका होता है? जब काल पुरुष की कुंडली की रचना की गई, चौथा हिस्सा कैंसर साइन के हिस्से में आया। कैंसर साइन का स्वामी कौन है? चंद्रमा, मून। अब चंद्रमा जो सुख का स्वामी है, सुखेश की दशा आ गई, अपने ही घर में बैठा हुआ है, भले ही केंद्रम योग बना बना रहा है, मगर अपने जीवन में, अपने समय के अंदर बहुत ऊंचा उठा के लेके चला जाएगा। अब सवाल आता है कि फिर दरिद्रता का योग कहां से अटपका? यस, चंद्रमा मन होता है, चंद्रमा कल्पना होती है, इमेजिनेशंस होती है, माइंड की क्रिएटिविटी होती है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो 15 दिन बढ़ता है,
और 15 दिन कम होता है, इसीलिए पूर्णिमा आती है दोस्तों, इसीलिए अमावस आती है दोस्तों। जब ये कम होना शुरू हो जाता है तो आखिरी, जैसे जैसे आज से शुरू हुआ 15 दिन कम होता गया तो आखिर में शून्य हो गया, तो होगी अमावस की रात, हो गया अमावस का दिन। अगर चंद्रमा जैसे ही अमावस निकली फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और बढ़ के हो गया परिपूर्ण, बन गई अमावस, नहीं बन गई पूर्णिमा, पूर्णमाशी आ गई, पूर्ण चंद्रमा माइंड की क्रिएटिविटी बहुत दे देता है दोस्तों। अमावस अंधकार में ले जाती है, इट बिटवीन हमारे विचारों के अंदर उथल पुथल। मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है 15 दिन कम होता है, ऐसे ही हमारे विचारों के अंदर उथल पुथल होती रहती है। तो केन ध्रुव योग में जो दृढ़ता, जरूरी नहीं है कि वो पैसे की दृढ़ता है, कभी कभी मन की दृढ़ता आ जाती है, कभी कभी मन की सोच, मन के विकार ऐसे पैदा हो जाते हैं, बंदे को बड़ा डर लगने लगता, घबराहट होने लगती है कि 24 घंटे खाना खाते समय भी दिमाग फ्री नहीं है, सोते समय फ्री नहीं है, कुछ भी करते समय दिमाग फ्री नहीं है। एवरी टाइम यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग, यू आर जस्ट पुटिंग प्रेशर ऑन योर माइंड एंड यू आर नेवर लेटिंग इट फ्री। व्हाट विल हैपन देन? इस माइंड को, माइंड नीड्स रिलैक्सेशन ऑल्सो दोस्तों। तो चंद्रमा को अगर कहीं थोड़ी बहुत अगर ये दृढ़ता कई लोगों के केस में देता है ना, आप भी अपनी कुंडली में चेक करके देखेंगे कि मन के जो विचारों के अंदर उथल पुथल ज्वार भाटा आते ही तो चंद्रमा के कारण है ना। तो ये ज्वार भाटा, मन के ज्वार भाटा जो सोच के ज्वार भाटा है, इसके अंदर आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा, अगर कहीं आता है चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा की पूजा करने से, बीज मंत्रों का, मूल मंत्रों का, किसी भी मंत्र का उच्चारण करने से, ओम नमो श्री सोमाय नमः, ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करेंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे, अगर कहीं भी मानसिक दृढ़ता होगी या आर्थिक दृढ़ता होगी, शारीरिक दृढ़ता होगी, मान लीजिए कोई आपकी कुंडली के अंदर किसी किस्म की दृढ़ता को योग उसने बना दिया, भले राहु केतु साथ में आकर के बैठ गए, कोई दृष्टि संबंध ऐसा बन गया जिसके कारण उसने दृढ़ता दे दी, क्योंकि ना उसके इधर था कोई ना उधर था, मगर दृष्टि प्रभाव नहीं ऐसा बना दिया, राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि पड़ रही है, शनि की दशम दृष्टि या तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि कोई भी पड़ रही है, तो मन की स्थिति को उसने विचलित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो मन की स्थिति विचलित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण होता है। मन जीते जग जीत, जब मन से हार जाते हैं ना तो हम बड़ी से बड़ी चीजों को हार जाते हैं। जब मन से जीत जाते हैं ना, जिस चीज में विजय नहीं भी मिलने वाली, जिस चीज में हमें सफलता नहीं भी मिलने वाली, उसके अंदर भी सफलता मिल जाएगी। तो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे विश्वास को बेहतर बना के रखने के लिए हमें मन को एकाग्रता में लेके जाना होगा, जिसके लिए साधना का, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा योगदान होगा। कभी कभी दोस्तों ये जो केम द्रुम योग बनता है, जो दृढ़ता वाला योग बनता है, मान लीजिए योग बनता है, क्या इसका जो हम कहा जाए कि ये योग किसी तरीके से भंग भी होता है कुंडली में? जी हाँ बिल्कुल होता है। मान लीजिएगा उसके साथ जाकर के कोई शुभ ग्रह बैठ गया, चंद्र के साथ बृहस्पति जाके बैठ गया, शुक्र जाकर के बैठ गया, बुध जाकर के बैठ गया, इनको इनको अच्छे ग्रह माना गया, भले ही आपस में चंद्र बुध की रिश्ता जैसा मर्जी हो मगर इनको अच्छे ग्रह माना गया है। अगर इनके साथ जाकर के बैठ गए तो वो दृढ़ता का योग, वो केंद्र योग भंग कर देंगे। मान ली साथ नहीं बैठा हुआ, कोई साथ नहीं बैठा हुआ, ना कोई इधर बैठा है ना कोई इधर बैठा है, ना द्वितीय स्थान पर बैठा ना द्वादश स्थान पर बैठा हुआ, खाली है, मगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति उचका होकर के बैठा हुआ है, बहुत पावरफुल है, डिग्रीज में बहुत पावरफुल है। तो पावरफुल दृष्टि है, एक तो प्लैनेट पावरफुल और एक उसकी दृष्टि पावरफुल,
बृहस्पति की पंचम नवम दृष्टि बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। सप्तम दृष्टि तो हर ग्रह की होती है, पंचम और नवम दृष्टि बृहस्पति की बहुत पावरफुल मानी जाती है। तो जैसे ही पंचम और नवम दृष्टि, पंचम या नवम दृष्टि कोई भी पड़ेगी उसके ऊपर, तो समझो कि उसके केंद्रम योग को भंग कर देगी और उसकी इंट्यूटिव पावर को, उसकी सोच को, उसकी पॉजिटिविटी को एकदम बढ़ा देगी, जिंदगी के आनंद को बहुत बढ़ा देगी, माइंड की क्रिएटिविटी को, टैलेंट को बहुत इंप्रूव करा देगी। चंद्रमा जब अकेला बैठा होता है दोस्तों, ना इधर बैठा ना उधर बैठा हुआ है, और उसके ऊपर दृष्टि का प्रभाव बहुत अच्छा हो गया, चाहे वो शुक्र ने दृष्टि दी, चाहे वो बुध ने दृष्टि दी, या फिर खास करके जब बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो उसके बल को बहुत बढ़ा के रख देती है, इंट्यूटिव पावर को बहुत बढ़िया बढ़ा देती है, माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट को बहुत बढ़ा देती है। ऐसी स्थिति में बंदे को नेगेटिव बोलने से अगर बृहस्पति साथ बैठ जाए या बृहस्पति की दृष्टि बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जुबान से निकली हुई बातें सत्य हो जाती है। फिर अच्छा अच्छा बोलेंगे ना, जब बोल के सब कुछ पता चलता है, मेरी जुबान से निकली हुई बात अच्छी होनी है, सच्ची होनी है, तो क्यों ना अच्छी अच्छी बातें जुबान से निकालें। तो इसका मतलब शुभ ग्रहों की दृष्टि से या शुभ ग्रहों की युति से, कंजंक्शन से ये योग भंग भी हो जाता है। तो मैंने बताया कि ये योग पैसा क्या, ये योग पैदा कैसे होता है, ये योग भंग कैसे होता है, और इस योग का निवारण कैसे है। आज हमने निवारण की चर्चा भी करी। हमें अपने मन को मजबूत करना है। चंद्रमा क्या है? मन है। अपनी कल्पना को मजबूत करना है, सोचना है, मगर इतना नहीं सोचना कि उससे हमें कोई रोग लग जाए। चंद्रमा जब क्षीण हो जाता है, कमजोर अवस्था में, डिग्री भी कमजोर पड़ी हुई है उसकी, डिग्री भी कमजोर पड़ी हुई है, फिर चंद्रमा वो बना तो रहा है लेकिन वो कृष्ण पक्ष का है या शुक्र पक्ष का है ये भी देखना है। तो उसका मतलब मन की जो सोच है आपकी, अगर शुक्ल पक्ष का हुआ, अगर ब्राइट मून का हुआ तो इम्पैक्ट अलग है, डार्क मून का हुआ तो इम्पैक्ट अलग है, मगर उससे जितने भी रोग लगते हैं दोस्तों, वो चिंता करने से लगते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, दुनिया भर की परेशानियां हो, उसके पीछे बेसिक वजह क्या होती है, जब 24 घंटे आप अपने दिमाग को ढीला ही नहीं छोड़ते हैं, एक चीज सेट कर ली, उसको पूरा कर लिया, अब नई चीज की चिंता, अब दूसरी हो गई, अब तीसरी चीज की चिंता। हमें चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। चिंतन करने से क्या होगा, आपका चंद्रमा को बल मिलेगा, आपके बाकी ग्रहों को बल मिलेगा, जो और अच्छे ग्रह जो बहुत अच्छा जीवन में फल देना चाहते हैं वो आपके जीवन में बहुत ऊंचा उठा देंगे। दोस्तों अलग अलग राशि के लिए इसका अलग अलग प्रभाव है। जैसे मैंने बताया कि अगर कर्क लग्न में आपका जन्म हुआ, कर्क लग्न में जन्म हुआ तो कर्क लग्न के लिए लग्नेश हो गया। लग्नेश की दशा, शास्त्र का मत है, अगर लग्नेश कहीं त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, यकीन मानिए अपनी दशा के अंदर बहुत बेहतर दर्द देने में कामयाब होगा। अगर उसके बाद जो मंगल योगाकारक प्लैनेट की दशा आएगी, बहुत रिजल्ट देगी। अगर चंद्रमा लग्नेश होकर के भाग्य स्थान में भी बैठा हुआ है और केंद्र योग बना रहा है और उस समय चंद्रमा की दशा आ गई, तो यकीन मानिए बहुत ऊंचा उठा देगा। इसका मतलब हमें केंद्रम योग के नाम से, इस दृढ़ता वाले योग के नाम से भयभीत नहीं होना है। किसी भी व्यक्ति को इस चीज को लेकर के चिंता नहीं करनी है। हाँ, अगर कोई थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट है तो उसको रोज मेडिटेशन कीजिए, रोज योगा कीजिए, डीप ब्रीदिंग की अगर भगवान को मानते हैं दोस्तों, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। क्योंकि जब इसके बेसिकली शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, कहते चंद्रमा है मन, ना इसके कोई इधर बैठा है, ना कोई इसके इधर बैठा है, ये अकेला। चंद्रमा क्या हो गया, आइसोलेशन में चला गया, आइसोलेटेड हो गया, लगता है ना इधर कुछ सहारा देने वाला, ना इधर मेरे को सहारा देने वाला, जो कुछ करना है मैंने ही करना है। तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर इससे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके आप चलेंगे, किसी पे भी जिंदगी में डिपेंडेंट होना आपको नहीं आता, अपने माइंड की क्रिएटिविटी पे, अपने भगवान पे अपने आप को भरोसा है, अपने आप के ऊपर बहुत भरोसा है, तो ऐसे केंद्रम योग का आप बताइए कोई नुकसान है? अरे ऐसा केंद्रम योग तो सबको चाहिए ना। अरे कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी चीज है, जो ना आपको इधर से मिल रहा है ना इधर से मिल रहा है, पता खुद से ही लाना पड़ेगा, जो कुछ करना कराना है खुद ही करना है। तो ऐसी स्थिति में तो कोई इंद्रम योग
अगर आपने उसको संभाल गए तो समझो बहुत उत्तम मुकाम पे आप पहुंच गए। दोस्तों आज हमने चर्चा करी ज्योतिष सीखिए में, लर्न एस्ट्रोलॉजी में केंद्रम योग की चर्चा करी। ऐसे ऐसे में बीच बीच में थोड़े से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जरूर लेता रहूंगा ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट उसमें और अच्छे तरीके से बना रहे। बाकी सिखाने वाला जो पार्ट है वो कहीं किसी जगह पे जाकर के बोर ना करना शुरू करे, इसलिए हम बीच बीच में कोई नया कोई सब्जेक्ट में ऐसा लेता रहूंगा ना, तो उसमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जब भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं दोस्तों शुरू से लेकर के ना आखिर तक देखिएगा। जो रिजल्ट निकलता है ना, जब तक आपने शुरू में थोड़ा सा देख लिया, बीच में थोड़ा सा देख लिया, आखिर में देख लिया, नहीं, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा निष्कर्ष पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। जिस चीज को आप तलाश रहे थे वो तलाश आपकी संपूर्ण हो जाएगी। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चाहे अपने परिवार वाले हो, मित्र हो, आपके ग्रुप्स में आपके एक्वेंटेंसेस हो, नॉन पर्सन हो, कोई भी हो, सबके साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसका आनंद ले सकें। किसी न किसी ज्योतिषी ने अगर वहम में डाल रखा है उस वहम से कई बार निकला नहीं जाता, जब खुद आप जान लेंगे ना तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जानेंगे कैसे दोस्तों, कैसे पता चलेगा, आपने सब्सक्राइब भी कर दिया, सारा कुछ सुन भी लिया, जानेंगे कैसे, सिंपल सा काम करना है आपने। बिल्कुल मेरी वेबसाइट है जो आदमी मेरे ऑलरेडी अब जब वीडियो देख रहे हैं नीचे मेंशन किया हुआ है premastrologer.com, premastrologer पे जाइए, फ्री ऑनलाइन कुंडली वाले पॉइंट को क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके आप अपनी उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए एंड शो चार्ट देखिएगा। जब चार्ट बन के आपके सामने आया तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरी कुंडली में जो इन्होंने केंद्रम योग की चर्चा करी थी, इंस्टेंट के मैं अपनी कुंडली मांगू, मेरी कुंडली कहाँ है भाई लाओ, तो मैं एक सेकंड में अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे तो उसको देख लेना है। वीडियो को देखते देखते ही मैंने उसको साथ ही चेक कर लेना है। वो फ्री ऑनलाइन सर्विस है, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। आप चार्ट आपके सामने संभाल के रखिएगा, उसको देख लीजिए कोई केंद्रम योग आपकी कुंडली में तो नहीं, तो देखने का तरीका भी आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको जरूरत हो आपने वीडियो आपने आपकी वीडियो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा दोस्तों मेरी वेबसाइट का एड्रेस, उसके अंदर विजिट करके अपनी कुंडली को बनाइएगा फ्री में और अपने सेव करके अपने जिसको कहते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में या अपने मोबाइल में रखिए ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े देखने की आप उसको देख सकें दोस्तों। तो आगे इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। अब अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय को लेकर के, एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।